हेलो दोस्तों वेलकम टू आई एग्जाम वी दिस इज़ मानी सो दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज एक बहुत अच्छी नोटिफिकेशन की जो अभी रिलीज़ हुआ है दैट इज़ फ्रॉम कर्नाटका बैंक लिमिटेड तो इसने अभी जो वैकेंसीज़ हैं वैकेंसीज़ है रिलीज़ किए हैं आइए जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में अब बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की तो इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कल से स्टार्ट हो जाएगा दैट इज़ फ्रॉम ट्वेल्थ ऑगस्ट टू जो कि चलेगा अप टू ट्वेंटी सिक्स ऑगस्ट टू तो अभी अगर अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल लेट मत कीजिए एंड कल ही से इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दीजिए देखिए इसमें जो करंट सी है वो सी कितना है अप्रोक्सीमेटली दैट इज अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड थाउजेंड पर मंथ अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सो so एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन अगर आप किसी भी डिसिप्लिन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक्सक्लूडिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा देखिए यहाँ पर क्लियरली मैंशन है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है या फिर वो जिनका एम बी ए क्या है वन ईयर एम बी ए है तो वो भी इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है दूसरी बात ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर साइंसेस तो एग्रीकल्चर साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अगर वो बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो वो कर्नाटका बैंक लिमिटेड में अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट इन लॉ और एम बी इन मार्केटिंग ऑफ फाइनेंस तो ये सब भी इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है तो बात करते हैं एज लिमिट की तो एज लिमिट है दैट इज ट्वेंटी एट ईयर फॉर जनरल कैटेगरी और एस सी एस टी अपू थर्टी थ्री ईयर्स आपकी जो एप्लीकेशन फी है वो एप्लीकेशन फी कितनी है एट हंड्रेड एट हंड्रेड है फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट एंड रुपीज सेवन हंड्रेड फॉर एस सी एस टी कैटेगरी स्टूडेंट अब देखिए आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो बात क्या ध्यान में रखनी है कि आपकी जो डिग्री है वो ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए आज तक अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की तो एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह से है तो एग्जाम पैटर्न में आप देखेंगे कि जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट सॉरी जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट भी इसी में इंक्लूडेड है अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट होगा तो इसमें जो uh, आपके पास सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या है कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करेंगे तो यहाँ पर थर्टी क्वेश्चन है थर्टी मार्क्स के एंड ड्यूरेशन विल बी फिफ्टीन मिनट्स नाउ नेक्स्ट कमिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें फिफ्टी क्वेश्चन होंगे फिफ्टी मार्क्स के और ड्यूरेशन होगी थर्टी फाइव मिनट्स जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो फिफ्टी क्वेश्चन होंगे फिफ्टी मार्क्स के और ड्यूरेशन होगी फिफ्ट ट्वेंटी मिनट्स रीजनिंग और क्वाइंट्स यहाँ पर आप देखेंगे थर्टी um, और फोर्टी क्वेश्चन हैं रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ईच सेक्शन और टाइम भी आपको ट्वेंटी और थर्टी मिनट्स मिलेगा फॉर रीजनिंग एंड क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड रिस्पेक्टिवली तो ये टोटल आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा इसमें कितने होंगे टू हंड्रेड क्वेश्चन होंगे टू हंड्रेड मार्क्स कैरी करेंगे और टाइम आपको मिलेगा वन ट्वेंटी मिनट्स का वहीं आप देखेंगे जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है डिस्क्रिप्टिव पार्ट में क्या होगा यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन कर, अटेम्प्ट करने होंगे और आपके पास जो टाइम uh, ड्यूरेशन होगा दैट इज थर्टी मिनट्स और आपके पास जो मार्क्स इस uh, ये मार्क्स कैरी करेगा दैट इज ट्वेंटी फाइव मार्क्स तो ग्रैंड टोटल अगर हम बात करेंगे तो इसमें टू हंड्रेड टू क्वेश्चन हो गए और जो मार्क्स होंगे दैट इज टू ट्वेंटी फाइव मार्क्स और 150 मिनट्स में आपको ये पेपर कंप्लीट करना है क्लियरली मेंशन है कि इसमें कितनी नेगेटिव होगी वन फोर्थ की नेगेटिव होगी पांच ऑप्शंस आएंगे और आपका जो पेपर होगा दैट विल बी फुल इन इंग्लिश लैंग्वेज अब आपको ध्यान में क्या रखना है ध्यान में ये रखना है कि आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए दूसरी बात इसमें क्या होगा एक साल का प्रोबेशन पीरियड होगा तीसरी बात क्या है कि इसमें जो प्रो बॉन्ड का भी एक लॉ है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से तैयारी करें आ, आ, आप एग्जाम भी के साथ जुड़ सकते हैं और हम आपको इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस देंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद